हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? और अभी सुबह के बजे है 8:30। तो यहाँ पे देखो, आजकल ना ठंड बहुत कम है, तो इस वजह से ना थोड़ा मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। कि एक तो ठंड नहीं है, धूप सुबह उठते ही ना धूप निकल जाता है, मतलब 7 बजे ही धूप निकल जाता है हमारे यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नहा लिया है, नहा के पूजा भी कर लिया है। तो पूजा वाला ब्लॉग मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मतलब मंदिर ना मतलब ठंडा लग रहा था, तो जल्दी जल्दी निपटा के फिर मैं बाहर आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले काम है मेरा इस चूल्हे को लेपना। मुझे वैसे आता नहीं है ये सब करना, बट फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ना रोज़ मुझे लिपाई करना पड़ेगा। मतलब हमारे बंगाली में ना, मतलब बंगाली में आई डोंट नो हर किसी में है कि नहीं, बट हमारे में ना होता है ये कि जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो वो लोग चूल्हे को लेपते हैं, उसके बाद कोई सिलाई बुनाई करते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इस वजह से ना मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इसको पोछ लूँगी अच्छे तरीके से। पोछने के बाद जो कि मतलब नीट एंड क्लीन रखूँगी इस चूल्हे को। एक ये होता है ना, ये चूल्हा होता है एक मतलब लक्ष्मी का प्रतीक। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और अभी आ गई हूँ किचन में। तो रात को देखो मैंने खाना बना के बस रख ही दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, तो इस वजह से ना फिर मैंने रात को कोई बर्तन वर्तन धोया नहीं, ऐसे ही रख दिया था मैंने। गैस भी क्लीन नहीं किया, तो फिर अभी मैं क्लीन मैंने कर दिया है। क्लीन करने के बाद अभी जो कि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, और अभी टाइम हो रहा है 9, तो क्लीन करते करते ना थोड़ा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे कल रात का आटा गूंद के रखा था मैंने चुकंदर से। तो एक तो मैं चुकंदर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो इस वजह से ना फिर मैंने क्या किया, रोटी में चुकंदर को ना ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया, तो फिर चुकंदर भी खा लिया और आटा रोटी भी, तो हो गया ना फ़ायदा। तो फिर यहाँ पे देखो अभी मतलब मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए। तो कल रात वाले मैंने घी नहीं डाला था, क्योंकि रात में थोड़ा ऑयली कम ही खाओ तो ही सही है। तो सुबह सुबह थोड़ा ऑयली थोड़ा भारी भरकम मुझे खाना पसंद है। बहुत लोगों को खाना पसंद नहीं है, बट मुझे काफ़ी पसंद है भारी भरकम खाना। और अभी तो ऐसा है ना कि मतलब खाना खाओ 10 मिनट बाद फिर से भूख लग जाती है, मुझे काफ़ी भूख लगती है। तो यहाँ पे देखो रोटी भी बन गया है और यहाँ पे चाय भी बन गया। अभी मैं आई हूँ अपने हस्बैंड को उठाने, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं, सुबह सो गए थे, फिर मैं उठ गई थी, और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो चुका था। तो पहले ना मैं खिड़की को खोल लूँगी, क्योंकि वो ना 2 बजे मतलब जाने वाले हैं फिर से ऑफिस। तो यहाँ पे देखो अब इनको उठा रही हूँ बड़े प्यार से। हाँ, ऐसे बच्चा जैसे उठता है ना, तो उसको उठाना पड़ता है वैसे, तो वो भड़क जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं बैठ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके। आज जो कि बाहर ना हवा चल रही है बहुत, तो फिर मैंने बोला कि चलो हवा चल रही है सच्ची हाई पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कल रात का बस सब्जी भी है, मतलब पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। और यहाँ पे ना मैं जैम से ठूस रही हूँ, क्योंकि मुझे ना जैम से मज़ा आता है खाने में, मीठा मीठा। मुझे रोटी में चीनी मिला के भी खाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। किस किस को पसंद है बताना ज़रूर। तो यहाँ पे ना हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बातें कर रहे थे काफ़ी सारा। हम जब एक साथ बैठते हैं ना तो काफ़ी सारे बात करते हैं, ज़्यादातर हमारा ना मतलब चैनल को लेके होता है, यूट्यूब को लेके बातें होती है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता होने के बाद अभी आ चुके हैं हम अपने रूम में। तो रूम में मतलब अभी मुझे थोड़ा काम करना है, जो बेड के नीचे ना कंबल, अभी तो ठंड निकल गई है, तो फरवरी है, तो फरवरी मार्च, तो अब तो उतना ठंड है नहीं। तो इस वजह से ना मुझे ना ये जितने भी कंबल है जो नीचे बिछाने वाले, वो वाले कंबल ना मैं मतलब रख दूँगी बेड के नीचे। और ये एक मेरा कंबल है जो कि मैं इसको ना बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, तो मतलब मान लो कि ये मेरा फेवरेट कंबल है, तो इस वजह से मैं इसको ना बहुत कम यूज़ करती हूँ।
तो इस वजह से ना ये ना मैंने ऐसे ही रख दिया था, पॉलीथीन में रखा नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला है आप ना इसको रैप करके रख दो, और बाद बाकी ये देखो कंबल जितने भी हैं ना वो सारे मैं मतलब अच्छे तरीके से पन्नी में रैप करके रख दूँगी। एक पता नहीं इसके बेड के नीचे से धूल कैसे जाता है मुझे नहीं पता, तो इस वजह से ना धूल बहुत होता है इसके अंदर, तो मुझे पन्नी में डाल के रखना पड़ता है। अभी रेड वो ऊपर रेड वाला जो है ना इसको भी मैं रखूँगी, बट अभी नहीं, अभी जो कि ठंड है मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में रखूँगी इसको भी। बस ये रेड वाला जो नीचे वाला कंबल है ना इसको रख दूँगी, बस इसको चाहिए होगा हमें। तो बस ये वाला रजाई जो कि हम बेड के नीचे रख देंगे और इसको हम परमानेंटली यूज़ करेंगे। पता नहीं कर भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि जून जुलाई का जो गर्मी है ना बहुत गर्मी होता है मुझे नहीं लगता, बट फिर भी मैं जून तक तो इसको रखूँगी। तो देखते हैं कब तक रखते हैं हम, बट मुझे रेड वाला तो रखना ही है। तो यहाँ पे देखो अभी जो कि मैं आ गई हूँ टेबल को क्लीन करने, तो मेरा जो शीशा है ना वो तो टूट गया था, मैंने तोड़ दिया था लाइफ में पहली बार, मतलब अपने ससुराल में आके यही चीज़ मैंने ख़राब किया। नहीं तो आज तक मेरे हाथ से कोई चीज़ मतलब टूटा नहीं है, गिरा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो ख़राब चीज़ है उसको मैं अच्छे से रिपेयर करके रखूँ, सजा के रखूँ। मेरा ये है सीन, बट ये ज़िंदगी में पहली बार मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया है, इसका ये कांच टूट गया है। और ये मिनी तो हमेशा आती रहती है, इसका तो कोई काम धंधा है नहीं। और हाँ, हमारा ना हस्बैंड ने मतलब एक एयरपॉड लिया था तो वो ना मतलब बेकार निकला, तो इस वजह से ना हम उसको चेंज कर देंगे। तो उस वो पार्सल वैसे का वैसा ही रखा है। तो चलो अभी थोड़ा बाहर। सो ये देखो गाइस कितना बड़ा गुलाब का फूल पूरा मेरे हाथ पे आ रहा है, सोचे हो? देखो अरे इतना परेशान कर रही है सुबह से, देखो अभी जो कि हमारा ब्रेकफास्ट आप लोगों ने देखा होगा, ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया और अभी थोड़ा मैं बैठी हूँ धूप में, बट हवा चल रही है मस्त वाली हवा। ये मस्त वाली हवा नहीं है, ठंडा वाला हवा है, ये मुंह कान पैर सब फाड़ने वाला हवा है। अभी थोड़ा हवा लेने के लिए बैठी हूँ। अभी भी मुझे बर्तन धोना है, उसके बाद झाड़ू पोछा भी लगाना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है अभी। ये तितली धरे बहुत जंगला। तो इस वाले गुलाब के पेड़ में भी ना अभी फूल आएंगे, सीजन आ चुका है। ये देखो लताएं कहाँ जा रही है, ये देखो। मिनी तो मिनी चली शिकार करने। गाइस इसका फूल देखने के लिए ना कब से हम तरस रहे हैं, लेकिन इसमें फूल हो गए। लेकिन देखो ये देखो कल ही तो आ चुका है, लेकिन कब से कल ही आ रहा है। एरोमी पाता है, सुबह मैंने पानी दिया उसको की एरोकोमी हो गए ना। फूल तो आज से भिंडी हो रहा है मुझे लग रहा है। और इस बार शायद हम लीची खा नहीं पाएंगे, कुछ आ ही नहीं रहा इसमें ना, पत्ते आ तो रहा है।